नमस्कार, निष्फल बिहार में आप सभी का स्वागत है। बिहार से जुड़ी ताजा खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर कटिहार से। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत मदरसा इस्लाहुल मुस्लेदीन दादन घाट के प्रिंसिपल एजाज अहमद काश्मी से खास बातचीत किया हमारे रिपोर्टर तौकीर रजा ने। गौरतलब है कि जनाब एजाज काश्मी को दिल्ली में शिक्षक श्री अवार्ड से नवाजा गया है। गौरतलब है कि इस अवार्ड से एजाज काश्मी अपने जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किए हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समरसता स्वतंत्र मंच नेपाल की ओर से वीके कृष्ण मेनन भवन भगवान दास रोड नई दिल्ली में आयोजित भारत नेपाल समरसता एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रिंसिपल एजाज अहमद काश्मी को नेपाल के उपराष्ट्रपति और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर के हाथों से शिक्षक श्री अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार एजाज अहमद काश्मी को प्राकृतिक स्रोतों द्वारा बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने एवं शिक्षा के प्रति क्षेत्र में उल्लेखित कार्य के लिए प्रदान किया गया। इस अवार्ड से पूरे कटिहार जिले में हर्ष का माहौल है। यहाँ के ग्रेजुएट 10 पोस्ट का 2009 से काम करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एजाज साहब 2012 में स्टेशन के पोस्ट पर लगे पर बाहर होकर काम करता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे कटिहार जिला में आज तक इंडो नेपाल श्री शिक्षा अवार्ड से नवाजने का आजाद मुझे पर नाम लेने का।